कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार जशपुर रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। जय जिनेन्द्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्रित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। बोलिए परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की परिचर्या बनी पड़ी स्वयं ही नव गाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्रे अवतरवत संभो सडित्य आह्वानन। जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो। अत्र मम सन्निधो भव भव वसत सन्निधि करणम। जय। सांसारिक विषयों में पड़ कर मैंने अपने को भर माया, इस राग देश की बेतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तभी विद्या सिंधु जल कर से भविकाल उस धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति। क्रोध नल में जल जल कर अपना शरीर से लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतल तापाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय संसारा ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर सताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अखंड अक्षय पद प्राप्ताय अक्षिता निर्वपामिति स्वाहा। विषय भोग की मदिरा सताचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अखंड ब्रह्मचर्य प्राप्ताय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति बक्षे अबक्षे बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। अंधकार से व्याकुल हो निज
अष्टोत्तर सदाचल श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय महामोहन गाय विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिति श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय अष्ट कर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति स्वाहा सदाचल श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय समस्त आचार्य संघ को पावन पुनी चरणों में अनर्घ्य पद प्राप्त है जय मालाय पूर्णार्घ्य निर्वपामिति स्वाहा ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों ने सुना होगा या पढ़ा होगा, देखा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिस किसी ने देखा उन्होंने अनेक ग्रंथों में लिखा। इस अपेक्षा से आप लोगों ने भी देखा और हमने भी श्रद्धान के पेशे से, बगुला भी वहीं पर रहता है और हंस भी वहीं पर रहते हैं और उस सरोवर का नाम मानसरोवर। इस मानसरोवर को देखने के लिए आप लोग भी नानाइत होंगे, अच्छे अच्छे महाराज या यात्री लोग भी वहाँ पर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन असली तो मानसरोवर है, वह आज तक कोई भी नहीं गया। चीन के पास ही है बताते हैं, लेकिन यह किंवदंती की बात अथवा ग्रंथों के आधार पर वहाँ पर प्रथम तीर्थंकर का निर्माण कल्याणक देवों के द्वारा धूमधाम के साथ हो गया था युग के आदि। उनमें से वहाँ उस स्थान में ये मछली को पकड़ने वाला बगुला भी रहता है और हंस भी वहीं पर रहता है। हंस इसलिए रहता है कि उसके लिए भी खाद्य मिलता है, बगुला इसलिए मिलता है कि क्षुधा को निवारण करने के लिए इन किन प्रकार हिंसक वृत्ति से अपना उदर निर्वाह करता है। कभी कभार मान लो मछली नहीं भी मिलती है तो जलीय काई इत्यादि के माध्यम से अपने क्षुधा का प्रशमन कर लेता। दोनों सफ़ेद रहते हैं ऐसा सुना, बगुला तो देखने को मिलता ही है, हंस पक्षी बहुत दुर्लभ होते हैं।
इसकी इतनी ख्याति है हंसों की कि भारत में कुछ साधु होते हैं परमहंस के नाम से। हाँ, तो वह ऐसा क्यों नाम है कि वो इसी प्रकार श्रमण यदि होते हैं, साधु यदि होते हैं, तो श्रावकों के ऊपर भी उसका प्रभाव तो अवश्य पड़ता हो। तो वह वहाँ पर उदर निवास और जीवन यापन करते रहते हैं। मछली भी चोंच से ही अपने खाद्य का सेवन कर लेते और हंस भी कर लेते। वहीं पर वो तैरते रहते हैं, लेकिन हंस तैरता भी है। बगुला उड़ जाता है, आ जाता है, कम पानी में खड़ा हो करके अब कायोत्सर्ग भी लगाता। इसलिए कहना आवश्यक है क्योंकि कहीं कहीं पर एक पैर पर भी खड़े हो करके कायोत्सर्ग करने का विधान है। और एक पैर ही क्या, कहीं कहीं पर ये भी सुनने में आया, अंगुष्ठ के ऊपर, एक ही पैर के अंगुष्ठ के ऊपर भी खड़े हो करके बाहुबली जैसे खड़े होते होंगे और महीनों तक उसके माध्यम से तपस्या करते। एक की तपस्या निरर्थक है क्योंकि वह केवल वहाँ पर इसलिए रह रहा कि वहाँ पर ये मिलते हैं। बगुला कभी भूल करके भी मुट्ठी नहीं छूटता, ऐसा भी सुनने में आया। और हंस मुट्ठी के अलावा और किसी को छूता नहीं, यह भी उल्लेख मिलता है। शाकाहारी और मांसाहारी दो प्राणी इस मानस तट पर रहते। वैचित्र है, मात्र स्थान पवित्र मिलना ही पर्याप्त नहीं, किंतु अपने हृदय को भी पवित्र बनाना पहले आवश्यक है। आप ये बताओ, जहाँ कहीं भी भगवान को रख सकते हैं क्या? हाँ, नहीं है ना। तो आप पापमय हृदय वाले हो करके श्री जी को इस वेदी के ऊपर कैसे रख रहे हो, बताओ? इसलिए उस पवित्र नामूल्य के साथ हम जिनेंद्र भगवान को अपने वेदी पर भक्तिपूर्वक रख रहे हैं, तो उसमें और कोई भी वांछा नहीं होना चाहिए। ये हो गया, किंतु पवित्र मन बनाने के लिए कैसे बनाएं? बर्तन जैसे बांधते हैं राख वगैरह लगा करके, आज यदि राख नहीं मिलता तो निर्मा वगैरह कर लेते, साफ कर लेते, पानी भी रह जाता तो उसको भी शुद्ध वस्त्र के द्वारा सुखा देते हैं। सुखा करके फिर सिंहासन रखते हैं, सिंहासन के ऊपर श्री जी को रखते हैं। और लाते समय श्री जी को कैसे लाते हैं? ऐसे पकड़ कर लिया, यूं लेकर। हमने एक स्थान पर ये भी देखा, मतलब उनकी भक्ति थी, ऐसा होता है नहीं पता नहीं, और उनको कुछ स्थान यहाँ पर रखने के लिए नहीं मिला और प्रतिमा थोड़ी सी बड़ी थी, तो उस समय उन्होंने सर्वप्रथम अब इस स्थान को शुद्ध तो बनाना, मंगल तो बनाना, तो अपने हाथ में केसर तो रहता ही है, उसके माध्यम से स्वस्तिक बना लिया।
और उसके ऊपर बहुमान की बात है, मतलब उस पवित्र प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार हम लेते हैं, हाथ में रखते हैं, और जब तक सिंहासन शुद्ध नहीं होता, जल चंदन आदि से वहीं पर हाथ में खड़े रहते हैं, फिर बाद में मंत्र शुद्धि के साथ रखते हैं। ये सारी सारी क्रियाएं हमारे पवित्र भावों के साथ होती है। ये क्रियाएं पक्की बात है, लेकिन यह अविरल रूप से बनी रहे, इसलिए आचार्यों ने कहा आप उस पवित्र मंत्र का आराधन, उच्चारण, स्मरण और 2400 घंटा कर सकते हैं। अन्य जितने भी मंत्र हैं, उन मंत्रों की शुद्धि के लिए भिन्न भिन्न स्थान, भिन्न भिन्न साधन सामग्री, लेकिन पंच परमेश्वर की आराधना के लिए पवित्र मन होना चाहिए। फिर बाद में शरीर तो सोच शुचिता से मुक्त है, उसको यदि शुद्ध बनाया जाता, रास्ता यदि कोई है, तो पंच परमेश्वर की आराधना है। हमारे पंच परमेश्वर ऐसे शुद्ध हो गए हैं, शुद्ध होने जा रहे हैं, उनके पास पाप का लवलेश भी नहीं रहता। पवित्र हो चुके हैं, प्रतिज्ञा ले चुके हैं, जब तक यह मुक्ति नहीं मिले तब तक तब तक के लिए यावन निर्वाण संप्राप्ति, जब तक निर्वाण की उपलब्धि नहीं होती भगवान, हम इस प्रकार के पंच परमेश्वर की आराधना करेंगे। इसीलिए एक दूसरे इसके साथ करती है, जैसे आप बहुत पवित्र हैं, सब कुछ हैं, किंतु किसी एक वस्तु को बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर कहते हैं देखो आप साग सब्जी भले ही लोह के औजार से बनाते होंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कहीं कहीं पर इसका निषेध किया। क्यों निषेध किया? इसलिए उसके स्पर्श होने मात्र से औषधों में परिवर्तन आ सकता है, औषधों में परिवर्तन आ सकता है। इसलिए वही मान लो जंग वगैरह खा गए हो, यद्यपि नहीं खाता, लेकिन फिर भी उसका परिणाम इस प्रकार का स्वभाव लेकर के चलता है। इसीलिए हमारे पास एक और साधन है कि पंच परमेश्वर की आराधना करते समय इस प्रकार लोह तत्व का संपर्क ना हो, मैंने लोह में पाप में परिणाम ना हो। कभी कभी ऐसे फिर भी जल्दी में करते हैं तो उसमें कसायलापन और पूरे बर्तन में भी वह जो रखा हुआ खाद्य पदार्थ है वो सारा सारा हरा हरा हो जाता है, नीला नीला होता है। सुन रहे हो? किसी प्रकार अपने परिणाम हरा हरा न हो, हरे हरे हो जाए। हरा तो उपयुक्त है, लेकिन हरे हरे ठीक है, भगवान का नाम है, हरा हरा का तो विषाक्त होता है। हमारे परिणाम इस प्रकार आराधना के समय पर निदान को लेकर के कभी भी नहीं होना चाहिए। निदान का अर्थ क्या होता है? भावी भोगों की अपेक्षा रखना। भावी भोगों के महाराज जब तक हम इच्छा नहीं रखेंगे तो वो मिलेगा कैसे? इच्छा से मिलते नहीं, इच्छा नहीं होते हुए भी उसका फल और अनंत गुना होता है, वो सब की कटौती हो जाएगी यदि इच्छा करते हैं तो। ऐसा तप आप कर रहे हैं, विघ्नों का प्रलयम्यात् शाकिनी भूतपन्न का ये कह रहे हैं,
विघ्नों के राशि के राशि सब समाप्त हो जाते हैं, विष भी निर्विष हो जाता है, अमृत हो जाता है, मृत्यु जीवन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी को बोलते हैं जित शत्रु। जित शत्रु का अर्थ है जिनने भी शत्रुओं को जीत लिया, संसार के शत्रु नहीं होते। अरे भैया वो तो हमारे लिए कांटा है, हाँ तुम बहुत गुलाब के फूल हो, वो तो कांटा है, तुम गुलाब के फूल हो गए। गुलाब के फूल सबको मोहित कर देते, इसलिए कांटे से वो ठीक नहीं, कांटा फिर भी ठीक है। कांटे के कारण हम नीचे देखते देखते चलते, फूल के कारण है फूल बिछा दो। राग की बात करते हो, फूल बिछाया नहीं जाता, ऐसे तीर्थंकर मंगो चरण चरण में, जो कि ऊपर उनके चलते रहते चार अंगुलों पर, नीचे कमल बिछाए जाते। अब कमल बिछाने की जो इच्छा यदि करोगे, तीन काल में आपको वह सौभाग्य नहीं मिलेगा। भक्ति भाव करते हैं तो संभव है नीचे उनके पगतलियों में हम फूल बिछा सकते। देवगण आकर के ऐसे ऐसे दिव्य वैभव के साथ उनकी आराधना करते हैं, अब वो भाग्य समझते हैं। वहाँ हंस और बगुला इन दोनों को, ये जोड़े तो हैं लेकिन इनके चाल में, इनकी प्रकृति में, इनके खाद्य में, इनके जीवन के लक्ष्य में जमीन और आसमान का अंतर है। हमें आसमान की ओर देखना चाहिए, और जब तक वह आसमान न मिले, हमें नीचे जमीन को देख करके भी चले। इसका अर्थ यह है अभिमान से मुक्त हो करके, निदान आदि के छल कपड़ों से मुक्त हो करके करना चाहिए। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ, वृत्ति हमेशा हमेशा शल्य से रहित होता है। निदान को भी एक स्थान पर शल्य कहा है, तो आप वृत्ति है ना, लेकिन माया मिथ्या और निदान इन तीनों शल्यों से रहित हैं तो आप वृत्ति हैं। व्रत लेने मात्र से नहीं, किंतु माया मिथ्या निदान, माया मिथ्या निदान छोड़ने के उपरांत भी व्रत का संकल्प अपने आप में अलग होता है। तो इस प्रकार ये दोनों बातें बड़े बड़े ग्रंथों में भी लिखी गई है। आप लोग ग्रंथ तो बांट रहे हैं, खूब ग्रंथों का वितरण होता रहता, मुझे देखना हो के लिए अवसर मिल जाता है, लेकिन थोड़े से संयम रखा करो। आपके पास यदि वह शास्त्र आ रहा है, ये ऊधम नहीं होना चाहिए। जो पीछे बैठे हैं वो आपके पीठ देखने के लिए नहीं बैठे, महाराज जी के दर्शन करने के लिए, अहिंसा परमो धर्मो की। संसार में अनेक प्रकार की वस्तु हैं, अनेक प्रकार के क्षेत्र हैं, अनेक प्रकार की दशाएं हैं, और अनेक प्रकार के हम लोगों के संस्कार हैं। इन सब के उपरांत भी संतों ने हम लोगों के लिए सही दिशा में जो चरण पग उठा चुके हैं, उनकी बात सुन करके मान लेंगे तो अवश्य हमारा निस्तार संभव है। परिवर्तन तो होते रहते हैं, स्वभाव है, किंतु उन परिवर्तनों के साथ हम प्रभावित हो ये कोई नियम नहीं है। यदि प्रभावित भी होते हैं तो ऐसे संस्कारों के साथ रहने का प्रयास करें जिसके द्वारा उसी रूप में वह परिवर्तन होता जाए और दूसरे का प्रभाव उसके ऊपर न पड़े। छोटा सा आप लोगों के प्रतिदिन के काम में आते रहते हैं, उसी के माध्यम से मैं अपने भाव को व्यक्त करता रहता हूँ। जैसे
दूध को आप जमाना चाह रहे हैं। दूध को जमाने का काम बहुत कठिन होता है, जमाने को जमाना बहुत कठिन होता है, जैसे यही समझे तो अब, लेकिन जमाना है। दूध को जमाए बिना दही का मुख नहीं देख सकते, और दही का मंथन किए बिना नवनीत नहीं, और नवनीत के बाद तपाए बिना घी का दर्शन नहीं होता। ये सब लोग जानते हैं ना। हाँ, अब थोड़े से जानकारी का उपयोग करो। अब कभी कभी बादल वगैरह हो जाते हैं, बादल वगैरह हो जाते हैं तो दही जमाते समय कई बार गड़बड़ हो जाता है, पानी पानी रह जाता है, नहीं समझे, अलग रूप हो जाता है, और उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है, किसी काम का ही नहीं रहता। फिर भी उसमें भी जो कुशल होता है वो इसको जमा लेता है। उन्होंने कह दिया, देखो अब उसमें जामुन नहीं देना, ये समझे, जामुन नहीं देना। फिर जामुन दे बिना जमेगा कैसे? सुन तो लो हम क्या कह रहे हैं। जामुन देने से तो ये करके लिए आया तुम, आज जामुन नहीं देना। तो क्या है जामुन तो नहीं देना, हम बता देते हैं आपको बाद में, बस दूध को तैयार कर दो। तैयार कर लिया, फिर इसके उपरांत उसको नीचे भेज दिया और एक बर्तन में उसने दूध को डाल दिया और बंद करके रख दिया, जमा दिया। हाँ हाँ, हो गया काम, अब कल सुबह सुबह कुछ दिखाना। जब कल देखा किसमें है क्या है, तो उसमें है। अच्छा, ये कैसे बर्तन में आपने जमा दिया? हाँ, वो ऐसे ही है। जब उसको निकाल करके देखा, बिना जामन डाले और दूध बहुत अच्छे ढंग से जम गया था। उसने पूछा, इसमें आपने क्या डाला? कुछ नहीं डाला, हमने नजर भर डाला है और सब ठीक ठाक है। क्यों आप लोग नजर भर डालने का अर्थ क्या है? उसमें क्या है, कैसा है, अच्छे ढंग से उसको साफ कर दिया, इतने पर्याप्त था, और कोई वस्तु तो नहीं उसमें, बस नजर भर डाला है और उसको बंद कर दिया और उसमें दूध डाल दिया। सुबह बहुत बढ़िया उसको बर्तन को यूं कर दिया तो भी वह दही जमा हुआ नहीं गिरा। दूध हो तो बोलो हैं, सब गिर जाता है और ये नहीं गिरा। इसको बोलते हैं जमाना पलट जाए तो भी दही नहीं जमा हुआ नहीं पलटेगा। क्या किया आपने? तो उन्होंने बया और कुछ नहीं किया, नजर डाल करके। वहां मिट्टी की मटकी थी, ये समझे, उसमें प्रतिदिन दूध जमाई जाता था और बहुत अच्छे ढंग से जम जाता था। एक बार जामन का प्रयोग किया, फिर दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब जिंदगी भर करते जाओ, प्रतिदिन धोते जाओ और उसी में जवानी की बात को छोड़ दो। जवानी की बात करना चाहते दही की तो जम जाएगा वो, लेकिन किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए बात है। क्यों? इसी का नाम कालांतर में भी संस्कार काम करते रहते हैं। अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहो, दुनिया भले बलट जाए, देखो कैसा जमाना आ गया, कैसा नहीं जमाना, ये जमाना हमेशा आता रहता जाता रहता है। उसी जमाने में रह करके जमाने के कुछ पुरुष हुआ करते हैं तो उनकी संगति रहने से ऐसा काम होता। तो मिट्टी के बर्तन में जो व्यक्ति दूध को जमाता है
उसमें कुछ भी नहीं डालोगे तो भी उसके संस्कार ऐसे रहते हैं, जमा हुआ जो दही है उसका संस्कार दूध को वह अच्छे ढंग से जमा लेता। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बादल हो जाए, सर्दी पड़ जाए, वो हो जाए, कुछ भी हो जाए, किंतु ये ध्यान रखना उस मिट्टी के बर्तन को रसोई घर से बाहर ना आए। सुना? हाँ, वो तो वही के वही रहेगा, कुआं पर भीतर कोई जाएगा 17 नहीं चलेगा, 16 ही चलेगा। जानते हो 16 क्या होता है? नहीं समझे? बातों में 16 बनता, बड़ा लेते हो आप लोग, बातों में 17 हो जाती है। 17 बातें नहीं क्या करो, 16 ऐसा होना चाहिए वह मिट्टी का बर्तन अपने संस्कार के अनुसार काम करता रहेगा और आपको प्रतिदिन बढ़िया से बढ़िया, यही समझे? हाँ, और दही निकाल दो तो कप्पे के कप्पे निकलेंगे, कोई पानी नहीं निकलेगा, समझे? हाँ, ऐसे जमाने कुछ भी हो जाए फिर भी आप अपने ऐसे संस्कार डालो तो जमा हुआ रहे हो अपने आप। अभी तक तो आपने जमानों को देखा, आगे बहुत और जमाना आ जाए कोई बात नहीं, तब तक कोई जमाना खड़ा हो गया। नहीं समझे? जब पंच कल्याण करने जा रहे हो, अच्छा जम गया है और इसमें पंच कल्याण के उपरांत अपने आप ही खून भी आ जाए, नहीं समझे? जमाने का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा और जमा हुआ वह काम में हमेशा हमेशा आएगा। आएगा क्या नहीं आएगा? ऐसे संस्कार आप अपने बच्चों के ऊपर, पीढ़ी के ऊपर, अड़ोस पड़ोस के ऊपर अच्छे उद्देश्य को लेकर के डालते जाओ, वो कभी भी फालतू नहीं जाएगा। अन्य बर्तनों के बारे में हम नहीं कह सकते। हाँ, कुछ ऐसे धातु होते हैं जो जैसे चांदी है, ये अच्छा माना जाता है, और कोई नहीं, किंतु मिट्टी के बर्तन तो चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, या छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कैसे भी मौसम हो, तो भी वह आपके लिए आपके दूध को सुरक्षित रखेगा। और यदि मान लो नहीं जमना है तो प्योर दूध भी मिलेगा आपको, और जमाना जमना है तो जम जाएगा, अच्छा दही जम जाएगा। इस प्रकार अपने परिणामों को आप सुरक्षित रखने के लिए अच्छे व्यक्तियों के संस्कार अपने जीवन के ऊपर डालते जाओ, उनके समागम में रहते जाओ, उनके इशारों को समझने का प्रयास करते जाओ, जैसे वो कहते हैं उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखोगे तो ये काम हो जाएगा। पहले बहुत सारे रविवार हो गए होंगे, किंतु यह दूसरा रविवार है। आप लोग उस रविवार के बाद इस रविवार के बीच में समय तो उतने ही लगा, किंतु एक एक दिन एक एक दिन जो अंतराल के हैं वो निकल रहे हैं, और आपकी तिथि एक प्रकार से पास आ रही है। वो तिथि पास आ रही है या हम उस तिथि के पास जा रहे हैं, ये थोड़ा सा देख लें। तिथि तो पास आ रही है, लोग तो यही कह रहे हैं, हम जा रहे हैं क्या वो आ रही है? वो आ रही है तो यहीं पर क्यों आ रही हो? अन्यत्र भी तो आ सकती है, उसको ज्ञान है क्या? कोई भी जीव द्रव्य को छोड़ करके दूसरा कोई जानकार नहीं संसार में, काल हो तो भी वो काल को कोई मिट्टी तिथि आदि को
कोई ज्ञानकारी नहीं होती है किसी की, क्योंकि वो जानने योग्य तो है लेकिन ज्ञाता स्वभाव वाले नहीं हैं। आप ज्ञाता स्वभाव वाले भी हैं और ज्ञेय स्वभाव वाले भी हैं। जानने योग्य को आप जानते भी हैं, मानने योग्य को आप मानते भी हैं और देखने योग्य को आप देखते भी हैं। स्व को भी देखते हैं, पर को भी देखते हैं, अमूर्त को भी देखते हैं और मूर्त को भी देखते हैं। और अपनी जहाँ गति नहीं है, सूक्ष्म हो गया तो गुरुओं के मुख से सुन करके, प्रभु के ऊपर विश्वास करके उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार कराना और स्वीकार करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। प्रभु सबको स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु को हम लोग नहीं स्वीकार कर पाते। और उनके पास शक्ति बहुत है बताते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास शक्ति है लेकिन उसको बाध्य करके किसी को हमारी ओर हम कर नहीं पाते। प्रभु जबरदस्ती किसी को करते नहीं, यदि जबरदस्ती कर लें तो फिर एक सेकंड भी नहीं लगता ठीक ठाक हो जाए, लेकिन नहीं, वो अपने स्वभाव निष्ठ हो करके विचरण करते हैं तो उनको देख करके कोई स्वीकारता है तो उसका भाग्य समझ लो। अब बहुत जल्दी समय वो प्रभु बनने के पात्र बनने जा रहा है। यह हो करके भी आज तक हम लोगों का वह कर्तव्य दायित्व पूर्ण नहीं हो पा रहा। एक तो दायित्व होता है, देना नहीं होता किंतु करने योग्य का कार्य करना होता है। कर्तव्य इसी को बोलते हैं जो करने योग्य कार्य। दायित्व में और कर्तव्य में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है, करने योग्य अपने लिए किया जाता है और दायित्व कुछ कंधों के ऊपर आ जाता है। क्या आ जाता है कंधों के ऊपर? पुष्ट कम कंधे होते हैं तो वह दूसरे के भार को भी उठा करके कुछ कर्तव्य का पालन करते हैं। संसारी प्राणी स्वार्थ के वशभूत होकर के दोनों कार्य करते हैं, किंतु प्रभु के प्रति आस्था, गुरुओं के प्रति निष्ठा जो ऊपर उठते हैं वे उस के कहने से कुछ दायित्व का पालन भी करते हैं। बदले में कुछ चाहत नहीं रखते, यह उसके साथ अनुबंध रहता है। एक स्थान पर इसका चित्रण बहुत ही दार्शनिक उद्भट आचार्य ने लिखा। मृजह किम अपेक्षते, मृदंग होता है उसके ऊपर शिल्पी के उंगलियां चलती हैं और वह मधुर ध्वनि बोल आपके कानों तक पहुंचा जाता है। आप लोग जब कभी भी बोलते हैं, दूसरे के लिए कुछ बता देते हैं, कुछ अपेक्षा रखते हैं, लेकिन अनात्मार्थम बिना रह गई शास्त्र सतोहितम, कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ज्ञानी पुरुष बताते हैं राह, किंतु बदले में कुछ नहीं चाहते।
दुनिया एक तरफ और दीनानाथ के बंदा भी होता है, वह भी एक तरफ हो जाता है। बंदा जो दीनानाथ का होता है वह अकेले भगवान की ओर क्यों जाता, दुनिया एक तरफ हो गई। तो दुनिया हमेशा हमेशा एक तरफ रहती है और आगे भी रहेगी, रोती रहेगी। किंतु उस दुनिया में रहोगे तो आपको भी रोना पड़ेगा। इसलिए चुनाव ऐसा न करो, संख्या इस ओर बहुत अनंत है, इसलिए अनंत की ओर हम चले जाएं। नहीं, ये प्रभु भी अनंत है। अनंत की व्याख्या दो प्रकार से की जाती है। संख्या जिसकी है ही नहीं, बहुत बहुत हो गया, इसको भी अनंत बोलते हैं। और जो आज तक मिटाने आगे भी नहीं मिटेगा, उसको भी अनंत बोलते हैं। प्रभु एक होकर के भी लाखों में एक जैसे होते हैं, और हम तुम अनेक अनंत होकर के भी किसी हिस्से में ही नहीं आते। हमें चयन करना है उस दायित्व के वहन के माध्यम से। तो वह मुरज जो है बजने के उपरांत सब लोगों को कर्णप्रिय बोल देता है, बदले में ये नहीं चाहता कि हमारे लिए आप क्या दियोगे। ये लेन देन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों की मति में ये बात नहीं आती। तो ये कहना चाह रहा हूं, हम बदले के भाव छोड़े। बदले के भाव दो प्रकार के होते हैं, एक लेन देन की बात होती है और एक प्रतिशोध के भाव होते हैं। प्रतिशोध जो होता है उसमें भी बदला लिया जा रहा है। किसके बदले में? जो कुछ भी है हुआ उसके बदले में। और राग देन की बात होती है, उसमें भी बदले में ले लेते हैं, दे देते हैं। अभी कहा कि कोई कर्ज लेता है किसी के हाथ में, तो कुछ दिन के उपरांत वह दुगुना हो जाता है, दुगुना होता है। हाँ, और आगे भी उन्होंने बहुत बहुत बताया। तो ये कर्ज की बात है। कर्ज में ये दृष्टि होती है, किंतु यहां पर दायित्व का जो वहन है कर्ज नहीं है, किंतु अनंतकालीन हमने कर्ज ले रखा है, अनंतकाल के लिए समाप्त करना है। ये दायित्व का वहन माना जाता है। तो प्रभु संसार को सब कुछ दे करके भी बदले में यदि आप देंगे तो क्या देंगे, मुझे बताओ। उनके पास जो है वो आपके पास उसका कौड़ी की कीमत वाली भी नहीं है, फिर भी हम उनके सामने कुछ दान के रूप में, चढ़ाव के रूप में रखते हैं। वो उनके लिए नहीं, हम इस निमित्त से मुंह के भार को कुछ कम कर रहे होते हैं। और एक दिन मान लो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और जो कुछ भी हमने भ्रम के कारण कट गया, ये मेरा नहीं ऐसे कह देंगे तो प्रभु के समान होने में देरी नहीं लगता। हम उसी घड़ी की प्रतीक्षा में, ताकि है ही कुछ नहीं अपने पास, फिर भी इस अनुबंध से यदि सौदा किया जाए, ये व्यापार किया जाए, घाटे का नहीं, ये बहुत बड़ा एक सौदा है। सौदागर जो होते हैं इस प्रकार के बड़े बड़े सौदा लेते रहते हैं, किंतु ये एक ऐसा सौदा है जो दोबारा करने की आवश्यकता ही नहीं। एक बार कर लिया और अनंत काल के लिए आप बैठे बैठे उसका फल भुगते जाओ, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। यह
उस दायित्व का अथवा उस प्रभु के सानिध्य का, गुरुओं के संगति का यह फल होता है। कितना अच्छा कहा अनात्मा अर्थ। आप स्वार्थ के लिए करते हो, दुनिया करती है। अनात्मा अर्थ हम आत्मा के लिए नहीं, अपने लिए नहीं। बार बार कुछ लोग आत्मा की बात करते हैं, मैं आत्मा की बात करना ही नहीं चाहता। वो सब लोग जानते हैं आत्मा तो सबके पास है, लेकिन यह सबके पास होते हुए भी जब कुछ परख की बात आती है, सामने वाले की आत्मा तो छुप जाती है और अपनी आत्मा देखने भी नहीं आती है, उसी ओर हम भागते रहते हैं। यह संकीर्णता है, इसको दुनिया में स्वार्थ बोलते हैं। स्वार्थ के द्वारा अपनी सिद्धि होती भी है, ये इस प्रकार के स्वार्थ के द्वारा नहीं होती है। वे प्रभु अपनी आत्मा के बारे में कभी भी किसी से कुछ कह करके उसकी पूर्ति के लिए मांग नहीं करते, पहले भी नहीं किया था। किंतु वह अनात्मार्थम सभी लोगों को यह दृष्टि मिले, मेरे निमित्त से ही मिले, दूसरे के निमित्त से मिले, ऐसा नहीं। उनका एक ऐसा भाव रहता, गुरुओं की भी उनकी संगति में पाप करने के फलस्वरूप इसी प्रकार विशालता आती चली जाती है। कई लोगों ने कहा कि महाराज इस प्रकार भी कहा जाता है, इस प्रकार भी कहा जा रहा है। किस प्रकार कहा जाता है? गुरुओं के निमित्त से ऐसा ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये निमित्त क्या वस्तु है हमें बता दो। यही है क्या आपके संपर्क में आने से? तो संपर्क में तो कई लोग आते होंगे, नहीं मतलब उसमें विशेष रूप से किसी के ऊपर आपकी कृपा हो जाती है तो ऐसा हो जाता है। तो कौन सी विशेष रूप से कृपा आप बता दो। उसकी तरफ से कोई मांग आ रही है कि हाँ अपने तरफ से कुछ विशेष चल करके कुछ हो रहा है, हमें बता दो। नहीं कुछ भी हो, हमें तो ऐसा लगता है आपकी कृपा यदि पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? मतलब नजर पड़ जाती है, नजर डाल लो। नहीं समझे? आपकी नजर पड़ जा, जिस समय आपका नजर जो है बंद हो जाए तो मैं क्या करूंगा? बोलो जरा उत्तर तो दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा,